इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप, और मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं पौनी के दोमेल क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर पुलिस द्वारा जो है वो डेली रूटीन नाका जो है वो लगाया गया है। यहां पर पुलिस ने जो है वो एक व्यक्ति को 2 किलो चरस के साथ जो है वो गिरफ्तार किया है। सल्यूट करेंगे जेकेबी पुलिस के जवानों को जो लगातार जो है वो नशे के खिलाफ एक मुहिम सी छेड़ी हुई है। सल्यूट करेंगे SSP रियासी को, जिनकी अध्यक्षता में जो है वो पुलिस द्वारा डेली रूटीन नाके जो है वो लगाए गए हैं और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखते हुए मिल रही है। आपको मैं बता दूं इस आरोपी व्यक्ति को जो है वो पुलिस ने दोमेल क्षेत्र में जो है वो रोका। जैसे ही इसके जो है वो डेली रूटीन नाका जो है वो पुलिस द्वारा लगाया गया था, जैसे ही इस व्यक्ति को जो है वो रोका, इसकी गाड़ी का नंबर जो मैं आपको बता दूं JK 1722 है। इस आल्टो कार में एक व्यक्ति जो है वो सवार था, इसको जैसे ही रोका तो इसमें से जो है वो 2 किलो चर्स के साथ जो है वो पुलिस ने इस व्यक्ति को जो है वो हिरासत में लिया। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो जिला रियासी के तहसील पौनी के दोमेल क्षेत्र से मैं आपको बता दूं। सैल्यूट करेंगे JKB पुलिस के जवानों को जो लगातार जो है वो नशा तस्करों के खिलाफ जो है वो मुहिम सी छेड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं आरोपी व्यक्ति की पहचान गुलाम अहमद मीर पुत्र गुलाम रसूल मीर रेजिडेंस विलेज मल्होत्रा तहसील बिजारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के रूप में इसकी पहचान जो है वो हुई है। इस आरोपी व्यक्ति को जो है वो पुलिस ने दर्द बोचा है। यह व्यक्ति जो है वो दोमेल क्षेत्र में जो है वो पुलिस ने इसको पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति जो है वो बांबला की तरफ जो है वो जा रहा था, जहाँ पर डेली रूटीन जो है वो नाका चेकिंग के दौरान जब इसको रोका तो उसके पास से लगभग 2 किलो चरस के साथ जो है वो पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, और इस वक्त जो है वो पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। बड़ी कार्रवाई करते हुए डेली रूटीन का जो नाका जो है वो पुलिस द्वारा जहाँ पर लगाया गया होता है, और उसको उसके ऊपर जो है वो पुलिस ने जो है वो बड़ी कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति की पहचान आपको मैं फिर से बता दूं कि गुलाम अहमद मीर पुत्र गुलाम रसूल मीर रेजिडेंस विलेज मल्होत्रा तहसील बिजारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के रूप में इस व्यक्ति की जो है वो पहचान हुई है। पुलिस जो है वो लगातार नशा तस्करों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। सल्यूट करेंगे SSP रियासी को, जिनके द्वारा जो है वो लगातार एक पहल की हुई है कि लगातार जो है वो नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस द्वारा जो है वो एक मुहिम सी छेड़ी हुई है। आए दिन जो है वो आपने देखा मीडिया के माध्यम से जो नशा तस्कर हैं उसे जो है वो लगातार हिरासत में पुलिस द्वारा लिए जा रहा है, उन्हें सलाखों के पीछे जो है वो भेजा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो जिला रियासी के तहसील पौनी के दोमेल क्षेत्र से, जहाँ पर पुलिस को जो है वो बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 2 किलो चरस के साथ जो है वो पुलिस ने इस व्यक्ति को जो है वो दर्द पहुँचा है। जैसे कि आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये आरोपी व्यक्ति को जो है वो इस वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसे जो है वो पुलिस स्टेशन पौनी में ले जाया गया है।